अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, उम्मीद अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का दिन जो है ना स्टार्ट कर दिया है ढाका यूनिवर्सिटी में आके, यूनिवर्सिटी कैंपस में है। और आज हम ना जा रहे हैं बुक फेयर, हम ना बुक फेयर देखने आए हैं, इधर बुक्स वगैरह मिलते हैं। तो ये देखो गाइस, आर्यन को लेके आए हैं। आर्यन को, अरे 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 अरे, नो 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 नो, आर्यन इधर ही रहोगे। तो आर्यन को इधर ही रखना है और स्ट्रॉलर में, क्योंकि बारिश का वेदर है। आर्यन का खाना पीना लेके आए हैं, बहुत लेट तक इधर रहेंगे तो इसलिए सब कुछ सेट करके आए। आर्यन हेलो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा स्ट्रॉलर में, लेकिन इधर ही जाएगा। चलो 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 चलो। तो अभी जो है ना हम इधर आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे बुक स्टॉल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स मिलते हैं। और काफी न्यूज चैनल वाले भी आए हुए थे, पीछे वाले सारे स्टॉल्स जो है ना वो न्यूज चैनल के। और ये वाला बुक फेयर जो है ना वो एक महीना पूरा चलता है, तो अभी महीने का एंड होने वाला है, बस खत्म ही होने वाला था, तो हमने सोचा आज आ ही जाते हैं। तो आज जो है ना बस आर्यन अभी सो गया है, तो मैंने सोचा आर्यन के लिए काफी बुक्स लेके जाऊंगी यहाँ से। ज्यादातर बुक्स जो है ना वो बांग्ला में ही है, बांग्ला बुक फेयर है, तो इसलिए मैंने आर्यन के लिए बहुत सारे बुक्स लिए, उसको जो जो पसंद हो। कभी कभी आर्यन सो रहा था, कभी जाग रहा था। अभी देखो यहाँ पे कितने सारे क्राउड है, इतना फंक्शन हो रहा था, टीवी वाले आए हुए थे, तो बहुत ही मजा आता, चहल पहल थी। तो ऐसे इवेंट्स ना अच्छे ही लगते हैं बुक फेयर में जाना, स्पेशली जब बच्चा हो, क्योंकि अभी मैं खुद के लिए तो बुक्स कितने ही लूं, तो मेरे लिए इतने खास बुक्स थे नहीं यहाँ पे, बांग्ला में थे सारे, मैं तो रीड नहीं कर पाती ना, तो इसलिए आर्यन के लिए इतनी सारी शॉपिंग की है। उसके अलावा अभी जो है ना आर्यन नींद से पूरी नींद कर करके उठा है, तो अभी जो है ना हम सोच रहे हैं कुछ खा पी ले जाएं, पर यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह दिखे ही नहीं, बस सिर्फ पढ़ाई के स्टॉल्स ये, क्योंकि ये बुक फेयर है इसलिए। लेकिन अच्छा होता अगर कुछ कॉफ़ी मिल जाती या कुछ खाना पीना मिल जाता। तो बस मैं जो है ना चलते चलते थोड़ा बहुत व्लॉग कर लिया था कि आप लोगों को भी घुमाऊँ। यहाँ पे पुलिस भी आए हुए थे और ऐसे भी पुलिस देखे मैंने जो अपने बच्चों के लिए भी बुक्स ले रहे थे, तो दिस इज़ सो क्यूट। और ये मेरी न्यू ड्रेस है जो कि मैंने आज पहनी इस स्पेशल इवेंट में। यार आर्यन को लेके आए थे तो पूरा जो है ना स्टॉल सब कुछ घूम नहीं पाए, क्योंकि बच्चा साथ में था, बारिश भी हो गई थी, आगे थोड़ा कीचड़ भी हो गए थे, तो इसलिए हमने बस जितना थोड़ा थोड़ा घुमाया उतना ही आप लोगों को भी मैंने घुमा लिया। और अभी जो है ना चलो कुछ खा पी लेते हैं। वहाँ पे मंदिर था, उसके बाहर कुछ प्रसाद मिलता था, और ये बांग्लादेशी कुछ राइस से बने हुए राइस केक्स वगैरह हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो मिल रहे थे, तो हमने उधर से बस सोचा कि कुछ खरीद लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मालपुरा, फिर यहाँ के अंदर रोल टाइप कुछ, इसके अंदर भी कुछ फिलिंग थी, ये सारे जो है ना राइस से बनते हैं, किस्म किस्म के वराइटीज। गाइस मेला जो है ना हम घूम के आ चुके हैं, अभी जो है ना इमोन स्ट्रॉलर साफ कर रहा है यहाँ पे, और हमने खाना पीना जो है ना वो घर से ही लेके आए हैं, तो वो खाना पीना खाएंगे। सुबह मैंने फ्राइड राइस बनाए थे। स्ट्रॉलर साफ कर रहे हो? नहीं, गाड़ी के अंदर ना, नहीं तो वो मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो गई थी ना सुबह सुबह बारिश। मच्छर तो नहीं है इमोन? देखो एक भी मच्छर नहीं है ना। चलो गुड गुड गुड। आर्यन जो है ना वो सो रहा है, और तुम्हें पता है इमोन आर्यन 17 मंथ्स का है ना, तो उधर ना मैंने 2 साल का एक बच्चा देखा था, वो आर्यन, मुझे लगा आर्यन केस का, इसलिए मैंने पूछा, तो वो आर्यन जैसे ही दिख रहा था, पूरा आर्यन उससे बड़ा लग रहा था, तो मतलब माशाल्लाह हमारा बेटा लंबा है तो मुझे लगा वो भी 17-18 मंथ का होगा, इसलिए मैंने एज पूछी, तो वो 2 साल का था। तो आर्यन माशाल्लाह से काफ़ी माशाल्लाह से लंबा लंबा हो गया है, लंबू लंबू टांगे तो देखो वायर आ गई है। तो अभी जो है हम एमापू का भी वेट कर रहे हैं, इधर हम खाना पीना खाएंगे और फिर जाएंगे आगे कुछ काम से मार्केट जाके। चलो इमोन खाना खाओगे? लेट्स गो। अपने से पहले बच्चे को दो लो अपने। तुमने बोला सुबह पता है सुबह 7:30 बजे उठ के सब कुछ रेडी किया है? नहीं, अंडा बॉईल किया है, और ये देखो क्या बनाया है सुबह 7:30 बजे। तो सुबह सुबह ये बनाया है गाइस, चलो खा के दिखाओ। चम्मच बहुत छोटे छोटे है, चम्मच से सिरप का चम्मच है, सच में बोलो। पता नहीं जो भी सिरप का चम्मच, चलो खा के देखो कैसा है, सच में। तो चलो खाओ, अभी फ्राइड राइस खाएंगे और उसके बाद ना हम लोग जाएंगे आगे कुछ मार्केट्स वगैरह में जाना है, तो जल्दी से एनर्जी एनर्जी ले लो। और आज क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट चल रहे हैं ना, तो ये सारे स्टूडेंट्स देखो, ये सारे नॉर्मली इस एरिया में आना भी अलो नहीं है, हमें पता नहीं कैसे आने दे दिया, तो इसलिए हम लोग इधर फिलहाल वेट कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं। और मेले से मैंने कुछ बांग्लादेशी मीठे मीठी डिशेज ली हैं, पीठा बोलते हैं जिसको, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, राइस केक, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बहुत सारे यूनिक यूनिक से। तो अभी चलो खाना खा लें। तो गाइस अभी हम आए हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे कुछ काम है, और इधर देखो एग्जीबिशन भी चल रहा है, तो आर्यन जो है ना उसको वॉक भी करा रहे हैं, थोड़ी देर में हम अंदर भी जाएंगे। तो ये रहा बाहर की बिल्डिंग, बहुत ही खूबसूरत है बिल्डिंग, ये वाला जो आर्ट वर्क है ना बहुत अच्छा लग रहा है। आर्यन चलो अंदर जाए, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, काम चल रहा है इधर ना, कुछ काम चल रहा है,
और यार उधर बहुत थक गए मेले में। मेले में बहुत वक्त की बहुत बड़ा मेला था। बहुत फर्स्ट टाइम देखा मैंने इतना बड़ा किताबों का मेला। तो गाइज यहाँ पे एक एग्जीबिशन हो रहा था जहाँ पे इमापू को आना था और भी कुछ टीचर्स उनको भी आना था, तो इसलिए हम लोग भी घर जाने से पहले यहाँ पे विजिट कर लिया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे, रिसर्च वर्क था लैंग्वेज लेके, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होते हैं। फिर यहाँ पे कोरियन भी कहीं दिखी थी हमें, तो अच्छा लगा बहुत देख के। और उसके अलावा जो है ना, चलो आगे जाके देखते हैं इधर और क्या क्या स्टॉल्स हैं। तो ये सारे जो है ना बांग्लादेश में डिफरेंट ट्राइब्स हैं, उनके सामान है, कौन से क्या यूज़ करते हैं वो लोग, सोवीनियर्स वगैरह, या फिर डिफरेंट ट्राइब्स जो है ना डिफरेंट माला पहनते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस का एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे उर्दू लिखी हुई थी, सिंधी लिखी हुई थी, खुश आमदीद लिखा हुआ था, भली करे आयो लिखा हुआ था, और उसके अलावा भली करे आया, और उसके अलावा कोरियन भी लिखी हुई थी। और ये जो है ना फैमिली ट्री नहीं, ये जो है ना लैंग्वेज ट्री है जहाँ पे पंजाबी, सिंधी, सिराइकी, कश्मीरी, कौन सी लैंग्वेज के जोन में होते हैं वो लिखा हुआ था। और ये सारे बोर्ड्स जो है, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज का एरिया है ना, यहाँ पे हर कंट्री का एक बोर्ड लगा हुआ था, तो उधर लिखा हुआ था कि लैंग्वेजेस कौन से कंट्री में क्या यूज़ किए जाते हैं, कितने सारे ऐसे। और उसके अलावा मेरा बेटा जो है ना, वो अभी से ही एग्जीबिशंस घूम रहा है अकेले अकेले, वो देख रही हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। इजिप्ट का क्या लिखा हुआ है देखते हैं। मेन लैंग्वेज है अरबिक, इजिप्शियन, इंग्लिश, टर्किश, नोबियन, मास्टोकी, ग्रीक, फ्रेंच, सीवी। हमने पाकिस्तान ढूंढ लिया है क्योंकि तो सारे दुनिया के कंट्रीज है। ये रहा पाकिस्तान, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, खुआर, बंगाली, बलूची, बलूची, पंजाबी, बाल्टी, फारसी, बातेरी, बाया, ब्राह्मी, ब्राह्मी। पाकिस्तान में इतने सारे लैंग्वेजेस। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है तमाम इंसान आज़ाद और हुकूक को इज्जत के एतबार से बराबर पैदा हुए हैं, उन्हें ज़मीर और अक्ल और इद्दियत हुई है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे का सलूक करना चाहिए, समझे। और बंगला में लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। अरे सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे क्या? मैं भी पढ़ रही हूँ, तुम भी पढ़ रहे हो, सब एक्साइटेड। चलो अच्छा तुम इन बंगला में सुनाए। সব মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সকলের মর্যাদা অধিকার সমান, মানুষ যুক্তিনিষ্ঠ ও সচেতন উজ্জীবিত এবং মানব মাত্র এমন আচরণ করা উচিত যাতে তারা একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ফিলেন্ট কে তুমি ইতনা ফাস্ট পড়া কো সমঝ নি আয়া। गाइज यहाँ पे देखो, पाकिस्तान में बलोची है ना, ईस्टर्न एंड साउदर्न बलोची, तो ओमान कंट्री में भी एक बलोची है, साउदर्न बलोची। ईरान में भी बलोची मिलेगी ना। आर्यन खुद ही आ रहा है दरवाजा खोलने के लिए। जाओ आर्यन, गाड़ी के अंदर जाओ। आर्यन गागी, जाओ अंदर जाओ, जाओ जाओ दरवाजा खोलो। गागी बुला रहा है, गागी है ये, आर्यन की गागी। जाओ 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 अंदर जाओ, जाओ 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 जाओ, देखो खो, जाओ 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 जाओ, देखी जाओ जाओ, ये इसको खोल बंद में मजा आता है। तो इधर से हमने आइसक्रीम ऑर्डर कर ली है, अभी आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आर्यन तुम आइसक्रीम खाओगे? आइसक्रीम फ्रिज खोल रहा है, इनका फ्रिज फेवरेट। और इमोन जो है ना कॉफी पिएगा, नो नो शुगर ना। चलो आर्यन, आर्यन तुम आइसक्रीम खावा। सोच रहे थे घर जाने से पहले कुछ खा पी के जाएं, आइसक्रीम का बड़ा दिल कर रहा था, लेकिन जब गुलशन गए थे सामान लेने के लिए तो उधर से क्या हुआ कि आइसक्रीम नहीं खा पाए, और जल्दी जल्दी में कुछ आर्यन का सामान ये वो ख़रीद के आ गए थे मार्केट से, व्लॉग भी इतना नहीं कर पाई। तो अभी जो है ना गाइज, हम यहाँ से कुछ आइसक्रीम खाएंगे। ये वाले जो है ना मूव इन पिक, ये बांग्लादेश के पुराने आइसक्रीम पार्लर में से एक आइसक्रीम पार्लर है जहाँ से फर्स्ट टाइम मैं आइसक्रीम ट्राई करूँगी, और देखेंगे इसकी आइसक्रीम कैसी है। तो गाइज ये आ गई है कैपेचिनो कॉफ़ी फ्लेवर, टेस्ट करोगे? इमोन ठंडा नहीं खाता इसलिए इमोन ने ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की है। हाँ तो ये कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी फ्लेवर को ठंडी 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 कॉफ़ी। एक टू आर्यन खा पे, आ करो एक टू खा। गर्मा गर्म कॉफी, गर्मी में कॉफी कौन पीता है? गर्म गर्म आइस कॉफी पियो, आइस मजा आ गया। आर्यन को ब्लैक कॉफी खिला रहा है इमोन, आर्यन को ब्लैक कॉफी। अरे 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 अरे, इसको ब्लैक कॉफी बिटर नहीं लग रही इमोन? ब्लैक कॉफी अच्छा लग रहा है। आर्यन तुम्हें ब्लैक कॉफी पसंद आई? मामा पापा की तरह। ओ माय गॉड, और फिर से कराओ।
ब्लैक कॉफी तो काफी बिटर होती है, काफी बिटर। कितना पिलाओगे उसको? कैफीन ना खिलाओ, अभी अभी लगा, अभी मत भी लगा, मेरे बच्चों को इतना कैफीन नहीं देना चाहिए। तो अभी जो है गाइस हम घर आ चुके हैं और आर्यन के लिए मैंने बहुत सारे बुक्स लिए, बहुत सारे। उनमें से ना यहाँ से कुछ बुक्स ये भी हैं कि देखो ये वाली जो बुक है ना, ये बस के शेप में बनी हुई है, तो उसने ये खुद ही चूज़ की। अभी जो है ना लेट लेट के हमारे साथ मस्तियाँ किए जा रहा है और इस बुक के साथ खुद ही खेल रहा है। तो ऐसी बुक्स ही बच्चों के लिए बनानी चाहिए जो कि फ्रेंडली बुक्स हो ना, जो मतलब बच्चे को हाथ पैर कट भी ना हो और फॉर्म बेस्ड हो, छोटे छोटे बच्चों के लिए तो यही। और अभी अपनी किताबें हमने साइड में सेट कर दी, उधर से जा के लेके आ रहा है और देखो किताबों के साथ कैसे खेला जाता है, आर्यन से सीखो। कोई बुक्स ले के बस उल्टी सीधी हरकतें करके खेल ही रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह। तो गाइज अभी हम लोग ना घर आ चुके हैं और अभी जो है ना इतना सो के उठी हूँ मैं, पता नहीं क्यों बहुत टायर्ड हो गई, क्योंकि कीचड़ था उधर और बच्चा हैंडल करना, फिर बहुत घूमे, आर्यन के लिए बहुत सारे बुक्स लिए, इतना एक्साइटेड हो गए। और ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम था इतना बड़ा बुक स्टॉल बुक फेयर देखना, इतने ज़्यादा बुक्स थे बच्चों के, बड़ों के, और बंगाली थे सारे, बंगाली मोस्टली, इंग्लिश भी कुछ कुछ थे। तो मैंने मेरे लिए ज़्यादा कुछ कुछ नहीं लिया, मुझे भी बांग्ला सीखनी है, तो मैंने बस ऐसी कुछ चीज़ें लिए जो आर्यन के साथ मैं भी शेयर कर लूंगी ना। और इसके अलावा आर्यन के लिए बहुत सारे बुक्स लिए हैं, बहुत बहुत शौक से मैंने और इमोन ने। अरे अरे तेल ना जल जाए, तो गाइस जो तेल है ना वो गर्म हो रहा है, बस तेल गर्म हो जाए मैंने सोचा है। ये ना इमोन न्यू मग्स लेके आया ना हमारे लिए, तो इसमें चाय पीते हैं आजकल डेली हम। और गाइस मैंने सोचा है कि ये वाली चिप्स बना लूँ चाय के साथ, बड़ा मज़ा आएगा। काफ़ी टाइम से ये खरीदी हुई है, बनाई नहीं है, तो ये वाली चिप्स जो है ना वो बनेगी अभी, ठीक है। और इसी के अलावा ये वाली चिप्स है ना, पता नहीं कौन सी है, क्या शेप आएगा, टूटी फूटी सी, तो ये वाली, ये दो चिप्स है ना ये बनाएंगे। और ये दरवाजे की अपडेट ये है कि आर्यन को ये बहुत क्यूट लगा, बहुत ज़्यादा। चलो गाइस मैं आपको पीछा दिखा देती हूँ, ये वाले पीछा होते हैं डिफरेंट, हर पीठा का ना डिफरेंट नाम होता है। ये वाला भी मालपुरा पीठा आई थिंक, और इसके भी क्या क्या नाम था, पोली क्या नाम था पता नहीं, पाटी शप्टा पीछा। और ये वाला मंदू मोमोस की तरह दिखने में है, ये वाला भी सारे मीठे होते हैं और राइस फ्लावर से बनते हैं। तो ये बांग्लादेश में बहुत वैरायटीज़ के मिलते हैं, सिर्फ मैंने तो कुछ ही लिए हैं, लेकिन बांग्लादेश में इतने मिलते हैं। तो ये सारे ना मतलब मज़ेदार होते हैं, अगर आप लोग कभी भी बांग्लादेश विजिट करो तो ये ज़रूर ट्राई करना, बांग्लादेशी पीठा, या अगर आपकी बांग्लादेशी फ्रेंड्स है तो बोलना बांग्लादेशी पीठा खिलाए। तभी हम ये वाली चिप्स ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे 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 ये तो बहुत फास्ट बड़े हो रहे हैं, अरे 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 ये तो जल जाएंगे, इसको निकालना पड़ेगा, रुको। चिप्स तो बहुत अच्छे खासे बन गए, मुझे लगा जल जाएंगे, लेकिन फिर भी दिख रहा है द डिफरेंस बिटवीन जले हुए चिप्स एंड नॉन जले हुए चिप्स ना, कुछ तो दिख रहा है ना गड़बड़। चलो कुछ गड़बड़ कर दी हमने। अभी ये वाली चिप्स जो है ना ये पता नहीं क्या है, इतने लंबे लंबे है, उसे लगता है लज़ानिया पास्ता है ना, लज़ानिया पास्ता की शीट्स है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैसा होगा, आई एम सुपर एक्साइटेड, क्या होगा, आस्ते आस्ते हो रहा है। अरे 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 इसने जो शेप चेंज किया अपना, इतने छोटे पिद्दू बच्चे से इतना बड़ा बन गया यार, ये तो बड़ा मजे का चिप्स निकला। ये एक और देखोगे, एक और एक साथ करते हैं, बाकी सब मैं आराम आराम से अकेले करूंगी। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। अभी देखना इसका शेप चेंज कैसे होगा, ए शकलका बुम बुम। इसका शेप तो अतरंगी शेप ही हो गया यार, देखो क्या हो गया। तो ये तो एक दो ही डालना पड़ेगा, ये तेल ज़्यादा नहीं डाला मैंने तो इसलिए कम डालना पड़ेगा, बाकी वाले चिप्स जो है ना वो बहुत फास्ट हो गए। तो यार ये देखो चिप्सों का पहाड़ आ गया, अतरंगी चिप्स को मैंने बहुत तोड़ फोड़ के डाला, फिर बहुत सारे डाल पाए और अतरंगी चिप्स की टेस्ट जो है ना काफ़ी मज़ेदार है। तो